हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेल्टोन डाटा एंट्री ऑपरेटर के जितने भी यहाँ पे डीओ हैं सभी के लिए यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो में। उसके बाद यहाँ पे 8067 पदों पर भी बात करने वाले हैं और यहाँ पे सभी जिलों में भी सभी बिहार के सभी जिलों में एक एक डाटा एंट्री ऑपरेटर लगेंगे। ठीक है, जो कि बेल्टोन को अध्याचना जा चुकी है उसमें भी यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है बेल्टोन डीओ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कहूँगा कि वीडियो पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना। यहाँ पे दो बड़ी अपडेट मैं आपको यहाँ पे यानी कि मान के चलिए कि दो खुशखबरी यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो वीडियो पूरा वॉच करना, आपको कंप्लीट यहाँ पे अपडेट मैं यहाँ पे देने वाला हूँ वीडियो में। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी भी नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसी तरह वीडियो बेल्टोन से रिलेटेड रोजाना अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बिहार सरकार कृषि विभाग के इस लेटर पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 24/3 का ये लेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रेषक जो है कृषि निदेशक बिहार पटना। ठीक है, इसको लिखा गया है बेल्टोन को प्रबंधक निदेशक। ठीक है, विषय में क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हेतु बिहार राज्य के प्रत्येक जिले में एक एक डाटा इंटरप्रेटर उपलब्ध कराने के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटर नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, महाशय में क्या है, चलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ। उपयोग विषय संकल्प पत्र से संदर्भ में कहना है कि प्रधानमंत्री निधि सम्मान निधि योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य के कुल 38 जिलों के अंतर्गत पदाधिकारी कार्यालय में एक एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, कुल डाटा एंट्री ऑपरेटर की संख्या हो गया 38। ठीक है, उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग के साथ साथ एक्सेल शीट एवं पीपीटी तैयार करने का अनुभव होना चाहिए, जिसका भुगतान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रसंग मध्य से संबंधित जिला कृषि विभाग के द्वारा सीधा बेल्टोन को की जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात है। ठीक है, यहाँ पे इस लेटर को पढ़ने के बाद आपके मन में थोड़ी सी खुशी तो आ ही गई होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 38 डाटा एंट्री ऑपरेटर को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना कार्य हेतु प्रत्येक जिला में जिला किसान कृषि पदाधिकारी को एक एक डाटा एंट्रप्रेटर उपलब्ध सिर्फ उपलब्ध कराते हुए इसके सूचना और हस्ताक्षर को देते देने की कृपा की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिलिपि सभी जिला कृषि पदाधिकारी को यहाँ पे लिखा गया है। तो टोटल मिला के बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल 38 पदों पर यहाँ पे डाटा एंट्रप्रेटर के लिए अधियाचना जा चुकी है बेल्टोन के पास कृषि विभाग के तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही जल्द आप लोगों को ऑफर लेटर जो है ऑफलाइन यहाँ पे या ऑनलाइन देखने को मिल सकता है किसी भी विभाग में। ठीक है, तो आप लोग वेट कर लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन में भी कब तक चालू हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं उस पेपर कटिंग में, उसमें साफ साफ लिखा है कि कब तक आपका यहाँ पे जो है न्यू रजिस्ट्रेशन चालू हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इस पेपर कटिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप जो लिखा हुआ है साफ साफ, पंचायती राज विभाग ने 8067 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। ठीक है, मतलब प्रस्ताव तैयार कर लिया है। ठीक है, अब इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति जल्द ही ली जाएगी। ठीक है, वित्त विभाग की सहमति जल्द ही ली जाएंगे इसी महीने के आखिरी महीने तक। ठीक है, आखिरी महीने इस महीने के लास्ट तक मंजूरी मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद इन पदों के सृजन की मंजूरी कैबिनेट के प्राप्त से नियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त होते ही नियुक्ति कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी और ये संविदा पर होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है 8067 पदों यानी कि जितने भी लोग बचे हुए हैं टोटल मान के चले यहाँ पे 2,2500 लोग बचे हुए हैं बेल्टोन के पैनल में, उन लोगों का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है 6,000 प्लस यहाँ वैकेंसी और यहाँ पे
जो है बचेगी, ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन निकाली जाएगी, ठीक है, यानी कि इस महीने के लास्ट तक यहाँ पे जो है मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद यहाँ पे न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्तमान में पंचायतों में एक ही कार्यपालक कार्यरत है, सभी ग्राम पंचायतों में कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति संविदा पर होगी, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं कि कब तक न्यू रजिस्ट्रेशन चालू हो सकता है और बाकी बचे लोगों का नियुक्ति कब तक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया होगा कि कब तक यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।